हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर कविता को पढ़ाएंगे और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताएंगे। कविता का नाम है जब हम होंगे बड़े और इस कविता के कवि हैं बाल स्वरूप राही जी, जिनका जन्म 16 मई सन 1936 को दिल्ली के तिरामपुर नामक स्थान पर हुआ था। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें देश विरोधी ताकतों और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर अपने राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने की प्रेरणा दी है तथा ये भी बताया है कि दुनिया में वही देश सबसे ज़्यादा मजबूत होता है जिसके नागरिक अपनी देश से सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इस कविता में कवि ने बालकों को देश में वर्तमान में हो रही समस्याओं और भविष्य के विषय में बात करते हुए दर्शाया है। बालक ही देश का भविष्य होते हैं और यदि वे समस्याओं के प्रति सजग हो तो देश का भविष्य उज्जवल और गौरवपूर्ण ही होगा। तो चलिए बच्चों, हम कविता का पाठ करते हैं और साथ ही साथ इसका अर्थ को भी बताते हैं। जब हम होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। प्रस्तुत कविता में बच्चों का कहना है कि जब वे बड़े होंगे तो देश का स्थिति ऐसा नहीं रहेगा। अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक प्यार है कम, क्योंकि वर्तमान में लोगों के दिल में प्यार से अधिक नफरत और घृणा का भाव है। जब हम होंगे बड़े घृणा का नाम मिटाकर लेंगे दम। अतः जब वे बड़े होंगे तो घृणा का नाम इस संसार से मिटाकर ही रहेंगे। हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। वर्तमान समय में चारों ओर हिंसा अर्थात मारपीट फैली हुई है। चारों तरफ मारकाट फैली हुई है जो जहर की तरह समाज और देश में फैलती जा रही है। भ्रष्टाचार जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जमाखोरी की आदत लोगों में पड़ी हुई है। ये कुरीतियां मिटा हमें तो नई चेतना लानी है। इन कुरीतियों यानी बुरी रीतियों को मिटाकर हमें जागृति लानी होगी। एक घरोंदा जैसा आखिर कितना और ढहेगा देश। तभी हमारी देश को कोई भी तिनके के घर, ये घरोंदा का मतलब क्या होता है, तिनके का घर जैसा बिखेर नहीं सकता है। नेक्स्ट पंक्ति का देखिए अर्थ। इसकी बागडोर हाथों में ज़रा हमारे आने दो। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं कि जैसे ही इस देश की बागडोर यानी लगाम बच्चों के हाथों में आएगी, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। जैसे ही बच्चे के हाथ में आएगी वे जीवन के उतार चढ़ाव को और परिस्थितियों को समझने लगेंगे तो देश को बुरी स्थिति से बचा लेंगे। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा कोई नहीं सहेगा देश। बच्चे शपथ खाकर कहते हैं कि वे देश की दुर्दशा को मिटाकर विश्व में भारत का सम्मान को बढ़ाएंगे। अब लास्ट पंक्ति का अर्थ को देखिए। हम भारत का झंडा हिमगिरी मतलब हिमालय,
हम भारत का झंडा हिमगिरी से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल से नहीं दहेगा देश। बच्चे कह रहे हैं कि वे भारत के ध्वज को, भारत के झंडे को वो हिमालय से भी ऊंचा फहराएंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। रेगिस्तान और बंजर धरती पर भी हरियाली लाकर उन्हें उपजाऊ बना देंगे। घोर अभावों की ज्वाला में कल से नहीं दहेगा देश, यानी ये देश जो घोर अभाव की ज्वाला में जल रहा है वो उससे देश को बचा लेंगे। तो बच्चों चलिए यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज वर्क दिया हुआ है, इसको भी हम आपको करा देते हैं। फर्स्ट नंबर है, कविता में बालक बड़े होकर किस देश को बदलने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। तो यहाँ पर भारत देश को बदलने की बात कहा जा रहा है, यानी भारत सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब भी कुछ लोगों के दिल में क्या अधिक है। ऑप्शन दिया है नफरत, प्यार और क्रोध। तो यहाँ पर नफरत होगा कि अब भी कुछ लोगों के दिल में नफरत अधिक है। थर्ड नंबर देखिए, बालक भारत का झंडा किससे ऊंचा फहरा देना चाहते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है रेगिस्तान से, हिमगिरी से और आकाश से। यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों, हिमगिरी से। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मौखिक क्वेश्चन है, इस कविता के रचनाकार कौन है। तो इस कविता के रचनाकार कौन है बच्चों, बाल स्वरूप राही। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इस कविता में देश को बदलने का प्रण कौन कर रहा है। देश को बदलने का प्रण कौन कर रहा है, भारत के बच्चे। तो बच्चों अगर आपको ये सुंदर सा कविता अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कविता कैसा लगा। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।